एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर प्रियंका चाहर चौधरी सज धज कर हुई तैयार। तो भाई क्यों, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन नहीं रोक पाए खुद को। कह दिया प्रियंका को घर की मसक्कली। क्या हुआ है, चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की, क्योंकि उस पर आया निमृत का भी शॉकिंग रिएक्शन। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर होता कुछ ये है कि अब प्रियंका ने एक चीज डिसाइड कर ली है कि वो घर में रोज अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि प्रियंका चाहर चौधरी के पास जो जो ड्रेसेस आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हैं। ऐसे में प्रियंका तैयार होकर जब बाहर आकर गार्डन एरिया में बैठती हैं तो वहाँ पर शिव ठाकरे और एमसी स्टैन दोनों ही वर्कआउट कर रहे होते हैं। और ऐसे में प्रियंका जब आती है तो स्टैन छूटते ही बोलता है शिव को, देख आ गई। जिसके बाद शिव मुड़ के देखते हैं तो वहां पर निमृत भी वर्कआउट कर रही होती हैं, उनकी भी नजर दोनों की कन्वर्सेशन पर पड़ जाती है। ऐसे में शिव भी प्रियंका को देखकर कहते हैं, हाँ अच्छी लग रही है, इसने ड्रेस भी बहुत अच्छी पहनी है, इसके ऊपर कलर सूट करता है। अब फिनाले जैसे जैसे आ रहा है इसकी ड्रेसेस बहुत अच्छी होती जा रही हैं। लेकिन ये सब नजारा देखकर निमृत का चेहरा उतर रहा होता है, जिसके बाद यहाँ पर बड़ी बात बोलते हैं एमसी स्टैन और शिव ठाकरे। जी हाँ, स्टैन बोलते हैं ये तो मसक्कली लग रही है एकदम। तो वहीं शिव भी स्टैन की इस बात में हाँ मिलाते हुए नजर आते हैं। और ये देखकर कहीं ना कहीं निमृत कौर आलूवालिया का मुंह बन जाता है, उनको बुरा लग जाता है कि ये क्या बोल रहा है शिव और स्टैन कैसे कर रहा है प्रियंका की तारीफ। वेल, आप क्या कहेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि सच में प्रियंका लग रही हैं जबरदस्त? कमेंट्स में आप अपनी राय हमें जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।